Hello everyone, welcome to the platform of AMC. Thank you so much guys for supporting AMC. Please आगे भी ऐसी support करते रहे, आपके लिए ऐसी नई नई videos regarding science आती रहे. चलिए अब बात कर लेते हैं part 2 के बारे में. Hope आपको part 2 पसंद आया होगा. उसमें मैंने आपको एक question दिया था, कुछ students ने उसको comment section में मुझे comment करके उसका answer भी बताया. तो वो question क्या था? वो question ये था कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनको दिन में क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है, लेकिन दिन में उनको वाटर वेपर एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है. तो वो अपना खाना कैसा बनाते हैं? तो मैंने बोला था कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कवर अप करेंगे. तो पहले उसी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं. जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताया है वो ठीक है, एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जिससे बाकियों की क्वेरीज भी क्लियर अप हो जाए. तो डेजर्ट प्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो उन्हें भी करना है. तो वो क्या करते हैं, रात को अपना, यानी कि अगर हम बात करें कि जो डेजर्ट प्लांट्स है हमारे पास में वो क्या करते हैं. मैं जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास में कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास में, कोई भी एक डेजर्ट प्लांट हो गया, ठीक. तो ये जो करता है डेजर्ट प्लांट, ये क्या करेगा, दिन में अपना थोड़ा खाना बना के रख पाएगा. कैसे, देखिए बात कर लेते हैं कैसे. हमने कहा भाई सनलाइट चाहिए, सनलाइट तो दिन में मिलेगी क्योंकि उस टाइमिंग पे सन अवेलेबल है, रात को तो सनलाइट नहीं मिलेगी. तो ये क्या करता है, नीचे से तो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, ठीक है. नीचे से क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और एटमॉस्फेयर से जो उसको CO2 चाहिए वो CO2 भी ले लेता है, ठीक है. तो CO2 और वाटर इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों को मिलाने के बाद में ये क्या बना के तैयार कर लेता है, कुछ इंटरमीडिएट तैयार कर लेता है, ठीक है. ये क्या करता है, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार कर लेता है. अब इंटरमीडिएट मतलब कि जो कुछ मिडिल प्रोडक्ट हो, इंटरमीडिएट मतलब जो कुछ मिडिल प्रोडक्ट हो, क्योंकि सन चाहिए. अब सन तो दिन में अवेलेबल है भाई, रात को तो मिलेगा नहीं, लेकिन दिन में फिर उसको पानी मिलने में दिक्कत होगी क्योंकि डेजर्ट प्लांट है, तो बड़ी दिक्कत होती है वहां पर पानी लेने में, गर्मी बहुत ज्यादा होती है. तो ये क्या करता है कि रात के समय में इसके बाद में CO2 है और वाटर है, तो इन दोनों को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है. और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जैसे ही दिन में सन निकलेगा तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये प्रोडक्ट क्या करेगा, सनलाइट के साथ में कंबाइन होके और अपना जो खाना बनाना था वो पूरा बना के तैयार कर लेता है. डेजर्ट प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो रात को अपना एक CO2 और वाटर को ऐड करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं. मतलब कुछ ना तो वो फाइनल प्रोडक्ट है ना ही वो रिएक्टेंट है, कुछ मिडल बना लेते हैं कि जो क्या करेगा, सन के साथ कंबाइन होने के बाद, सनलाइट के साथ कंबाइन होने के बाद दिन में अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है. तो डेजर्ट प्लांट्स के बारे में ये बात थी. चलिए बात कर लेते हैं आगे के बारे में. जैसे कि आपको बताया कि AMC बैकअप पे जोर देता है, चीजों के लर्निंग पैटर्न पे, या इस तरह की चीजों के बारे में आपको बताते हैं जिससे आपको क्रैम ना करना पड़े. AMC believes on लर्निंग, ऑन किस चीज पे, ये बात बिलीव करता है कि आप नई नई चीजें सीखें, ठीक है. AMC want let you to cram the things, वो नहीं चाहता कि आप चीजों को रटें, तो जैसे आपको फ्लैश बैक में ले जाके हम याद करवाते हैं. चलिए बात कर लेते हैं पार्ट टू में हमने क्या क्या रिवाइज करा था. पार्ट टू में हमने पढ़ा था किसके बारे में, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स. तो प्लांट्स की हमने बात की थी. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या था कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो वाटर ड्रॉप्स की कैटेगरी में आते थे, तो वो क्या करते थे, जमीन से अपना पानी खुद लेते थे, और फिर क्या होता था, एटमॉस्फेयर CO2 आ जाती थी हमारी, CO2 एटमॉस्फेयर से आ जाती थी, किससे, स्टोमेटा के थ्रू, और साथ में और क्या होता था, सनलाइट वो ऊपर से एब्जॉर्ब कर लेते थे क्लोरोफिल की हेल्प से. तो जिसके बाद क्या था कि वो अपना खाना बना लेते थे. तो वहां पर रिएक्शन हमने पढ़ी थी, रिएक्शन क्या थी, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2. तो फूड बनता था 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में. ये हमने पढ़ा था पार्ट 2 में, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स का पूरा प्रोसेस, ठीक है. अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स. अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें तो भैया पहले प्लांट्स के तो बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब एनिमल्स के टाइप तो देख लें, एनिमल्स के टाइप क्या होता है. तो चलिए पहले एनिमल्स के टाइप के बारे में पढ़ते हैं. तो टाइप्स ऑफ एनिमल में हमारे पास जो कैटेगरीज बनती है वो टोटल 3 कैटेगरीज बनती है. कौन कौन सी है, फर्स्ट हमारे पास में जो आते हैं हर्बीवोर्स, सेकेंड आते हैं कौन से, कार्निवोर्स, थर्ड आते हैं हमारे पास में ओमनीवोर्स. तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, 3 तरह के एनिमल्स की कैटेगरी हमारे पास में सामने आती है. अब तीनों हैं क्या, क्या क्या काम है भाई, तीनों को कैटेगराइज किया तो कुछ तो अलग होगा.
तो हर्बीवोर्स एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो खाली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि जो खाली प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हर्बीवोर्स एनिमल। इट मींस दोज एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट प्रोडक्ट को खाएं वो क्या होते हैं, वो सारे हर्बीवोर्स की कैटेगरी में जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, काउ हो गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया। तो ये जो ज्यादातर जो एनिमल्स हैं ये हर्बीवोर्स हैं, कि जो हरी चीजें खाने वाले हैं, इट मीन्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो खाली फ्लैश या मीट ईट खाते हैं, यानी कि जो फ्लैश खाएंगे या फिर जो खाली मीट खाते हैं। तो इट मीन्स कि जो नॉन वेज खाने वाले हैं, अगर हम अपने टर्म्स में समझे ना, तो शुद्ध शाकाहारी हर्बीवोर्स, और जो नॉन वेज वाले जो है वो सारे कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या है? दोज एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए और जानवरों पर डिपेंड करते हैं और उनको खाते हैं, दोज आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, इस तरह के जो एनिमल्स है वो आता है कार्निवोर्स की कैटेगरी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड वन, ओमनीवोर्स के बारे में। अब ये ओमनीवोर्स क्या है? तो ओमनीवोर्स क्या है, जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं। ओमनीवोर्स वो है जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं, यानी कि ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, जो एनिमल वाला प्रोडक्ट भी खाते हैं। इट मींस कि उनको दोनों चीजें चाहिए, उनको जो प्लांट्स हैं वो भी चाहिए, प्लांट्स का जो प्रोडक्ट है उनको एनिमल्स यानी कि नॉन वेज भी चाहिए खाने के लिए। तो वो एनिमल्स आते हैं कौन सी कैटेगरी में? ओमनीवोर्स की कैटेगरी में। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बियर हो गया है ना, पॉलर बियर जो होते हैं ना जनरली, तो वो क्या करते हैं, वो घास फूस जो होती है ना, बैम्बूज, वो उनको भी खाते हैं, वो फिशेस को भी खाते हैं। तो ये बियर हो गया एग्जाम्पल, क्रो हो गया। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी इवन ऑमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कुछ क्या होता है, वो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेजिटेरियन, इट मीन्स वो खाली प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे। कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, इट मीन्स कि वो प्लांट प्रोडक्ट तो खाते ही है, साथ में वो नॉन वेज चीजें भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो एनिमल्स हैं यानी कि एनिमल्स की कैटेगरी में जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स आते हैं ओमनीवोर्स की कैटेगरी में, क्योंकि वो दोनों चीजें खा सकते हैं, वो वेज चीजें भी खा सकते हैं और वो नॉन वेज भी खा सकते हैं। ठीक है, चलिए रिवाइज अप करते हैं एएमसी स्टाइल। हर्बीवोर्स घास फूस ये खाएं, घास फूस ये खाएं और शुद्ध वेजिटेरियन कहलाए। तो हर्बीवोर्स कौन सा एनिमल जो घास फूस खाते हैं और शुद्ध वेजिटेरियन कहलाते हैं? वो होता है हर्बीवोर्स एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल काउ, बफेलो एंड मेनी मोर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स हैं? कार्निवोर्स वो हैं नॉन वेज मटेरियल ये खाएं, यानी कि नॉन वेज मटेरियल यानी कि दूसरे एनिमल को ये खाएं और क्या कहलाएं, नॉन वेज मटेरियल खाने वाले कहलाएं। तो वो कौन है? कार्निवोर्स। औरों पे डिपेंड करेंगे खाने के लिए और एनिमल्स पे, जैसे लायन, टाइगर एंड मनी मोर एग्जाम्पल्स। थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से हैं? ओमनीवोर्स वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों की कैटेगरी में ये आए, जो हाथ लग जाए उसको खाएं। यानी कि हमारे पास में अगर हम बात करते हैं ओमनीवोर्स क्या है, और वो ऑर्गेनिज्म है कि इनके हाथ जो मर्जी लग जाए, वो चाहे प्लांट प्रोडक्ट हो या कोई एनिमल हो, यानी कि नॉन वेज हो या वेज हो, ये तो दोनों खा सकते हैं। तो वो एनिमल्स किस कैटेगरी में जाते हैं? वो जाते हैं ओमनीवोर्स की कैटेगरी में, जैसे ह्यूमन बींग हो गया और भी बहुत सारे इसमें एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लैरिफाई ये हो गया। इसके बाद फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें, कि भैया हमने ऑर्गेनिज्म जो थे एनिमल्स इनके टाइप्स तो पढ़ लिए, अब न्यूट्रिशन किन किन एनिमल्स में कैसे कैसे होता है? तो आपको याद हो पार्ट हमने 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, 9th क्लास की वीडियोस भी हैं उसमें, तो आपने पार्ट 1 में देखा होगा। अगर आपने चेक किया हो वैसे आपको याद होगा, आपने लास्ट ईयर ये पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। फाइनली यूकेरियोट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूनी और मल्टी। यूनी और मल्टी हमारे पास में दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते थे, यूनि सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते थे। तो यूनि वाले एक सेल वाले होते हैं और मल्टी सेल्यूलर जो एक से ज्यादा सेल वाले होते हैं। तो यहाँ पे भी न्यूट्रिशन क्या होता है, दोनों एनिमल में अलग अलग तरीके से थोड़ा फॉलो होता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सारा काम एक ही सेल को करना पड़ता था, वो ऑर्गेनिज्म यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे। बेचारे थक जाते हैं सारा एक काम करते करते अकेले, इसलिए उनकी लाइफ स्पैन भी छोटी होती है जल्दी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ स्टेप्स, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं किसी भी एनिमल के डाइजेशन में या एनिमल के न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में। तो न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स में हमारे पास में कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो सब फॉलो करते हैं, वेदर दे आर यूनिसेल्यूलर और वेदर दे आर मल्टी सेल्यूलर, कोई भी हो तो दोनों को भाई को फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या हमारे पास में स्टेप्स आते हैं? फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन
assimilation, ejection, total हमारे पास में 5 प्रोसेस निकल कर आते हैं एंड पांचों प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, पांचों प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा न्यूट्रिशन करने के लिए। पार्ट बाय पार्ट देखते हैं इनके बारे में कौन से है भाई, ये पांच है भाई जो है ये कौन है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इंजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंजेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा खाना इंजेस्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। पार्ट वन में हमने इंजेशन, एजेशन और डाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अगर आप उस चीज को याद नहीं रख पाए तो पार्ट वन वीडियो आप दोबारा देखें जिससे आपको वो चीज रिवाइज अप हो जाए और ज्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो इंजेशन क्या था, इंजेशन का मतलब था कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा खाना बॉडी में इंजेस्ट किया जाए, यानी कि बॉडी के अंदर खाना लिया जाए। इनटेक ऑफ फूड जब होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर है डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब है जो भी खाना बॉडी के अंदर गया है अब वो डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल में तैयार हो जाता है कि अब वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लायक है। जब हमारे काम आएगा, एब्जॉर्ब होगा तभी तो हमारे कुछ यूज में आ सकता है, अदरवाइज इट इज वेस्ट, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो भी खाना हमने खाया है। एक्चुअल में ना एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दो वर्ड्स हैं, मीनिंग थोड़ा अलग है बट वर्ड अलग है, ध्यान से सुनेंगे आप इन दोनों वर्ड्स को, कंफ्यूजिंग वाली टर्म्स है, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है इन टर्म्स में, ध्यान से सुनेंगे। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मैंने बताया ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो भी खाना बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है वो पूरी बॉडी में फैला दिया जाता है, यानी कि उस पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब वो फूड फैल जाएगा, ठीक है, पूरे बॉडी में जब वो फैल जाएगा तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नाम एब्जॉर्ब करना है लेकिन काम क्या है, बॉडी में खाने को ट्रांसपोर्ट करना, पूरी बॉडी में खाने को फैला देना। नेक्स्ट एसिमुलेशन, अब एसिमुलेशन का मीनिंग होता है वो जो खाना ट्रांसपोर्ट हुआ है ना उसका एब्जॉर्प्शन होना, एसिमुलेट होना यानी कि मिल जाना, घुल जाना, तो एसिमुलेट होना मतलब वो पूरी बॉडी में खाना घुल जाएगा जहां जहां पे ट्रांसपोर्ट हुआ था। लास्ट इजेशन, अब सब कुछ हो चुका है, खाना डाइजेस्ट हो चुका है, पहुंच चुका है, सेल भी उसको डाइजेस्ट करेंगी, वो कैसे पढ़ेंगी, वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं इसके बारे में जस्ट अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, अब वो जो वेस्ट जनरेट होगा बॉडी में तो रख नहीं सकते भैया, अनकंफर्टेबल हो जाएगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा, तो बाहर किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, इजेशन के थ्रू। तो इजेशन के थ्रू वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, इजेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक। सबसे पहले अब पढ़ लेते हैं कि भैया पांचों टाइप्स तो पढ़ लिए, अब पहले यूनिसेल्यूलर के बारे में पढ़े या मल्टी सेल्यूलर के बारे में पढ़े। चलिए यूनि बेचारे एक सेल वाले है ना, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिसेल्यूलर के बारे में, तो न्यूट्रिशन एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा। अब अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा हमें पता है कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होती है, ये कैसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होती है। अब सारे काम इसी को करने होते हैं, हमने जो पांचों के पांचों जो पॉइंट्स पढ़े थे ना जस्ट अभी, इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन, वो सारे इसी को ही करने होंगे अकेली सेल को ही, ठीक है। करता कैसे है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अमीबा की कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है, तो मैंने मान लिया कोई इरेगुलर शेप है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास में ये कोई भी अमीबा की क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। इतनी बार तो ये मेरे पास में क्या है, अमीबा, मैंने इसके साइड में यहाँ ये न्यूक्लियस बना लिया और इस न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास में कुछ ऐसे इसका जो लिक्विड पोर्शन होता है वो ऐसे स्कैटर्ड है, ठीक है। इतनी बात, तो ये हो गया हमारे पास में अमीबा, ठीक है, ये क्या हो गया अमीबा, ये सेंट्रल पार्ट जो है इसका, ये क्या हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये हो गई इसकी आउटर मैम्ब्रेन, ठीक है, मैम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मैम्ब्रेन ही होगी ऑफकोर्स ये, ठीक है, मैम्ब्रेन, और ये हो गया मेरे पास में न्यूक्लियस। अब होता क्या है, जैसे ही इस अमीबा के पास कोई भी फूड पार्टिकल आता है, जैसे ही इस अमीबा के पास में कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है, उस फूड पार्टिकल के अंदर अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। सबसे पहला प्रोसेस था ना इंजेशन, इंजेशन का मतलब खाने को अपने अंदर इनटेक करना, अंदर खाने को लेना, तो ये भी वही काम करेगा। हमने कहा कि मान लेते हैं ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में कोई भी एक फूड का पार्टिकल है, ये क्या है, कोई भी फूड पार्टिकल है, फूड आया है तो खाना तो चाहिए भाई, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, अमीबा पर खाने को अंदर लेगा, अब इसके पास में खाने के लिए मुंह तो है नहीं भाई, जैसे हमारे पास है कि मुंह खोला आ और खाना अंदर नहीं हो सकता ना, तो ये क्या करता है, ये कुछ स्पेशल काम करेगा, इसकी ये जो मैम्ब्रेन है, ये जो इसकी मैम्ब्रेन है ना आउटर मैम्ब्रेन, ये क्या करता है, मैम्ब्रेन को बाहर निकालेगा, यानी कि कुछ ऐसी इन मैम्ब्रेन को ऐसे कुछ बाहर निकाल लेता है, ठीक है, और कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करेगा,
यानी कि ये देखो ये वाला पार्ट पहले यहां तक था ना, अब मैंने आगे एक्सटेंड किया, इसका मतलब ये क्या करता है अपने इन दो स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ा लेता है, ठीक है, अपने बॉडी टाइप को क्या करता है थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता है फूड पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। ये जो पार्ट जो आगे निकलते हैं इन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सूडोपोडियास, सूडोपोडियास, ठीक है। तो ये सूडोपोडिया क्या करता है, दो फिंगर जैसी प्रोजेक्शन है, दो उंगली जैसी, फिंगर जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखेंगी जो क्या करती हैं अपने आप को आगे बढ़ा के, अपने आप को आगे बढ़ा के क्या करती हैं, इस फूड पार्टिकल को एंगल्फ करना यानी कि निगलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जो पहले वाला पार्ट होता है ये क्या हो जाता है, इंजेशन, इस वाले प्रोसेस में अमीबा खाने को अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है, ठीक है। फाइनली जो अमीबा है वो क्या करेगा, पहले डायग्राम से समझते हैं फिर हम इसको थ्योरी में भी पढ़ लेंगे, वो क्या करता है फाइनली वो क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इस तरह से ट्रैप कर लेगा, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस था भाई, ठीक, और इसके यहाँ पे इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन था इसका साइटोप्लाज्म वो तो है ही एज इट इज, ठीक है, और जो फूड का पार्टिकल था वो यहाँ पे बीच में था। देखो यहाँ पे इसने इसको क्या किया है, ट्रैप कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या करता है नेक्स्ट, ये इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर जब ये ट्रैप कर चुका है तो अब इसको डाइजेशन के काम में लगाएगा, यानी कि यहाँ पे ये जो फूड वैक्यूल है, अब इस फूड वैक्यूल, ये देखो न्यूक्लियस वाला पार्ट एज इट इज हमारे पास में सेम आ रहा है, तो जो फूड वैक्यूल है ये क्या करता है, इसके अंदर ये फूड पार्टिकल पहुंचेगा, ठीक है, सॉरी इसके अंदर क्या करेगा, ये फूड पार्टिकल पहुंचेगा और डाइजेशन प्रोसेस होना शुरू होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास स्टमक है ना डाइजेशन के लिए, वैसे अमीबा के पास में एक फूड वैक्यूल है जिसके अंदर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। अब डाइजेशन होने के बाद में ये क्या करता है, ठीक है, इसके बाद ये क्या करने वाला है नेक्स्ट, ये करेगा कि डाइजेशन होने के बाद जो भी इसने खाना जो खाया था वो खाना इसकी पूरी बॉडी में एसिमुलेट होगा, यानी कि जो फूड वैक्यूल था ना, इससे जो खाना है, ये फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना था वो इसकी पूरी बॉडी में पहुंचेगा, तो जो खाने के जो पार्टिकल जो डाइजेस्ट हो चुके थे वो पूरी बॉडी में खाना एक तरह से फैलना शुरू होगा, ठीक है। खाना पूरी बॉडी में फैलेगा, पूरी बॉडी में फैलने के बाद वो अगले वाले पोर्शन में पूरी बॉडी में मिलेगा, और पूरी बॉडी में मिलने का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी में अब वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस, अब खाना पूरी बॉडी में फैल चुका होगा हमारे पास में, ठीक, कहीं कहीं पे खाना जो होगा वो मिल चुका होगा, ओके। और साइटोप्लाज्म इसके अंदर एज इट इज हमारे पास में बिल्कुल सेम था, और साइटोप्लाज्म जो इसका जो लिक्विड जो पोर्शन है वो इसके अंदर यहाँ भी बिल्कुल सेम है। अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है, वेस्ट भी निकालना है, तो वेस्ट निकालने के लिए क्या करेगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ये न्यूक्लियस है, खाना इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका था, खाना इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका था, जो खाना इसको चाहिए था वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका था। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना है वो कैसे करता है, ये ध्यान से देखेंगे आप, ये क्या करता है अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा रप्चर करेगा, यानी कि मेम्ब्रेन थोड़ी सी फट जाती है, रप्चरिंग होना यानी कि मेम्ब्रेन थोड़ी सी फट जाएगी, और फटने के बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा था वो इस मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वेस्ट इससे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है इंजेशन, यानी कि खाना होगा इंजेस्ट, तो इसको अगर हम नंबर वन अगर नाम दे दें तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, इंजेशन। जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास में आया तो उसने क्या करा, फूड को एंट्रेप करने की यानी कि उसको एनगल्फ करना, उसको ट्रैप करने की कोशिश करी, फूड को निकलने की कोशिश करी, किसके थ्रू, अपनी दो सूडोपोडियास के थ्रू खाना अंदर ट्रैप हुआ, ठीक है। तो ये हो गया इंजेशन। उसके बाद आता है प्रोसेस टू। प्रोसेस टू का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, यहां से खाना अब इंजेस्ट तो हो चुका है, अब खाना डाइजेस्ट तो होगा, तो ये है इसका फूड वैक्यूल जिसके अंदर खाना पहुंचा है। तो इस प्रोसेस के बाद आता है कौन से वाला प्रोसेस, डाइजेशन। सेकंड प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में जब खाना अंदर फूड वैक्यूल में पहुंचा तो वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद अब वो क्या होता है, जब वो डाइजेस्ट हो चुका है तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन। कौन से वाला प्रोसेस, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। तो थर्ड प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास में, खाना एब्जॉर्ब होता है उसकी पूरी बॉडी में। तो खाना एब्जॉर्ब यानी कि ट्रांसपोर्ट होगा, सॉरी एब्जॉर्प्शन मतलब ट्रांसपोर्ट होना। तो खाना पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना देखिए शुरू हो गया है, पहले इस फूड वैक्यूल के अंदर था, डाइजेस्ट हुआ, अब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गया। जब खाना पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो चुका है इसके बाद होता है एसिमुलेशन। तो खाना पूरी बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे खाना पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, यहाँ से आया और पूरी बॉडी में मिल गया।
अब खाना एब्सॉर्ब हो गया तो रेस्पिरेशन भी करेगा ये, यानी कि अपनी सांस वगैरह लेगा, और जो भी इसको करना था कि रेस्पिरेशन करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा। इसके बारे में जब हम रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये क्या करेगा कि फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ था वो उसकी सेल मेम्ब्रेन यहाँ से फटेगी और वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। तो इस तरह से टोटल पांच पार्ट में ये पूरी साइकिल कवर अप होती है कि अमीबा जो अपना खाना है वो किस तरह से इंजेस्ट करता है, फिर कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्प्शन करता है, कैसे एसिमिलेशन करता है, और कैसे डाइजेशन करता है, ठीक है, सॉरी इजेशन करेगा वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। तो टोटल पांच प्रोसेस इस तरह से फॉलो होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंजेशन, वो प्रोसेस ये क्या करता है, अमीबा बाय एक्सटेंडिंग दिस सूडोपोडियास अमीबा विल ट्रैप द फूड पार्टिकल। मान लो अगर यहाँ पे खाना है, ठीक है, मेरे पास अगर यहाँ पे खाना है तो ऐसे ऐसे कर लेगा और खाना अंदर, ठीक है, ऐसे करके खाना फिलहाल अंदर करा। खाना अंदर करने के बाद में वो क्या होगा, डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। डाइजेशन के बाद में, डाइजेशन के बाद फाइनल क्या था हमारे पास, एब्जॉर्प्शन, यानी कि खाना पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगा, इधर भी फैल, इधर भी फैल, इधर भी फैल। उसके बाद जब वो एब्जॉर्प्शन होना करेगा, मैंने कि अब खाना फैल चुका है, अब एब्जॉर्ब करेगा अपने बॉडी पार्ट्स को एनर्जी देने के लिए, एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनल जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको इजेशन के थ्रू बाहर, ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से टोटल ये पांच प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, इतनी बात। चलिए एक बार जरा जल्दी से हम रिवाइज अप कर लेते हैं जो हमने आज की पूरी क्लास में पढ़ा है, एक बार जल्दी से रिवाइज अप करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में क्या था। हमने पढ़ा था सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनिमल, टाइप्स ऑफ एनिमल के बारे में हमने देखा था हर्बीवोर्स, और हमने पढ़े थे इसके बाद में कार्निवोर्स पढ़े थे और फिर ओमनिवोर्स पढ़े थे। तो हर्बीवोर्स वो एनिमल थे जो घास फूस ये खाएं और शुद्ध वेजिटेरियन कहलाएं, तो वो कौन से थे, हर्बीवोर्स एनिमल। जैसे एग्जांपल हमने काउ बफेलो लिया था। फिर थे कार्निवोर्स, कार्निवोर्स कौन सा एनिमल थे, नॉन वेज आइटम्स ये खाएं, यानी कि और जानवरों को ये खाएं और नॉन वेजिटेरियन कहलाएं, तो वो थे कार्निवोर्स, जैसे लायन और टाइगर। थर्ड हमने पढ़े थे ओमनिवोर्स, घास फूर और नॉन वेज दोनों चीजें ये खाएं, और हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की दोनों की कैटेगरी में ये अपने आप को ले जाएं, यानी कि जो हर्बीवोर्स भी हैं शुद्ध शाकाहारी भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो दोनों चीजें खाने वाले जो थे वो थे ओमनिवोर। जैसे एग्जाम्पल हमने पॉलर बियर या ह्यूमन बींग लिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में तो एक ही सेल को सारे काम करने थे, तो कौन कौन से प्रोसेस थे देखते हैं ना एएमसी स्टाइल में, है ना, हम पढ़ तो चुके हैं डिटेल में हमने, अब कैसे कैसे करता है इन एएमसी स्टाइल, कैसे कैसे करेगा। अमीबा सूडोपोडियाज ये निकालें, ठीक है, सूडोपोडियाज ये निकलवाएं, फूड को अपने अंदर ले जाएं, सूडोपोडिया ये निकलवाएं और फूड को अपने अंदर ले जाएं और ऐसे इंजेक्शन ये कराएं, ठीक है। उसके बाद फूड को अंदर ले जाएं और फूड वैक्यूल तक पहुंचाएं, वहां पे उसका डाइजेशन करवाएं, यानी कि सेकेंड पॉइंट, डाइजेशन करवाने के बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाएं और हर एक ऑर्गन तक उसको ले जाएं, यानी कि एब्जॉर्प्शन। फिर थर्ड, फूड एब्जॉर्ब होने के बाद, फूड ट्रांसपोर्ट होने के बाद पूरी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करवाएं, इट मींस एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी लेकर जो वेस्ट बचा है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकलवाएं, कैसे, इजेशन, बाय रप्चरिंग इट्स मैम्ब्रेन, अपनी मैम्ब्रेन को थोड़ा रप्चर करें और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एग्जिट करवाएं बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो ये पूरा न्यूट्रिशन एंड अमीबा हमारा कवर अप हो जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, उसमें पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स ही हम कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट थ्री में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, सॉरी पार्ट फोर में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग कवर अप करने वाले हैं, जिसमें पूरी डिटेल में उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, बाकी पार्ट फोर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। होप आपको ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इन केस अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक और सपोर्ट करें, इसको शेयर करें और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं, अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं प्लीज, और फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, थैंक यू।